ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिविल थर्ड ईयर के डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर का एक चैप्टर कंप्रेशन मेंबर की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्रेशन मेंबर होता क्या है, जिसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं उसके बारे में जाने हुए होता क्या है, इसका हम कहाँ यूज करते हैं। तो कंप्रेशन मेंबर एक ऐसा अवयव जिस पर हमेशा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा हो। अब हम जानेंगे कि कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, टेंसाइल फोर्स क्या होता है। तो कंप्रेसिव फोर्स बेटा एक ऐसा फोर्स जो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हमेशा कम करने का प्रयास करे। टेंसाइल फोर्स क्या होता है, टेंसाइल फोर्स ऐसा फोर्स जो किसी अवयव के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास करे। मतलब ये तनन बल होता है, मतलब ये खिंचाव बल होता है। और कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करता है, मतलब ये दबाव बल होता है, ये संपीड़न बल होता है। तो ऐसा अवयव जो हमेशा कंप्रेसिव फोर्स या संपीड़न बल का सहन करे, उसे हम कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कॉलम, स्ट्रस, फ्रेम, स्टेंजन, एक्सटेंशन और बूम। अब हम जानेंगे कॉलम क्या होता है, स्टड क्या होता है, ट्रस और फ्रेम, एक्सटेंशन, बूम, ये सब क्या होते हैं, इनकी अलग अलग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉलम क्या होता है। कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है जिस पर हमेशा कंप्रेशन फोर्स होता है। दूसरी चीज, कॉलम पर बेंडिंग मोमेंट कुछ ना कुछ जरूर एग्जिस्ट करता है। अब आती है बात, स्ट्रट किसे कहते हैं। स्ट्रट एक इंक्लाइंड मेंबर यूज होता है, ये भी कंप्रेशन फोर्स को सहन करता है, लेकिन ये क्या होता है, एक झुका हुआ मेंबर होता है, झुका हुआ अवयव होता है, इंक्लाइंड मेंबर होता है। दूसरी चीज, इसमें क्या होती है, इसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके किसी भी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, आपको जीरो मिलेगा। अब तीसरी बात आती है ट्रस की। ट्रस भी एक प्रकार का स्ट्रक्चरल मेंबर भी होता है, लेकिन इस पे टेंशन या कंप्रेशन फोर्स दोनों आ सकते हैं, चाहे ये टेंशन फोर्स आ जाए चाहे कंप्रेशन फोर्स आए। दूसरी खासियत इसके अंदर ये होती है, बेंडिंग मोमेंट हमेशा इसका क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर जीरो होगा। अब बात आती है फ्रेम की। फ्रेम भी एक प्रकार का स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, लेकिन ये बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ टेंशन और कंप्रेशन फोर्स दोनों रखता है, मतलब इसमें टेंशन और कंप्रेशन भी आ सकता है और बेंडिंग मोमेंट भी कुछ ना कुछ होगा, इसका बेंडिंग मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। तीसरी चीज आती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन भी एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है। वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर तो कॉलम भी होता है, लेकिन एक्सटेंशन में डिफरेंट क्या होता है, जब हम आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो हम कॉलम यूज करते हैं, और यही वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर जब हम स्टील स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो उसको बोलने लगते हैं एक्सटेंशन। होता कंप्रेशन मेंबर दोनों होता है, दोनों ही वर्टिकल मेंबर होते हैं, लेकिन कॉलम का यूज हम आरसीसी स्ट्रक्चर में करते हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और फ्रेम का ये एक्सटेंशन का यूज हम लोग टेंशन में स्टील स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। दूसरी चीज, अगली चीज आती है बूम क्या होता है। बूम भी एक प्रकार का कंप्रेशन मेंबर ही होता है जो क्रेन्स में यूज किया जाता है। अब ये सभी मेंबर जो कॉलम, स्ट्रट, ट्रस, फ्रेम, एक्सटेंशन और बूम हैं, वो उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रोल्ड स्टील सेक्शन, दूसरा होता है बिल्ट अप सेक्शन। रोल्ड स्टील सेक्शन और बिल्ट अप सेक्शन हमने टेंशन मेंबर में भी आपको पढ़ाया है, यहां भी आप लोग जान लीजिए। स्टील मेंबर जो स्टील की मील से उत्पन्न होते हैं, जिनकी कुछ न कुछ स्टैंडर्ड साइज और शेप होता है, ये लगभग 12 मीटर की लंबाई के होते हैं, ये रोल्ड स्टील सेक्शन कहलाते हैं। मतलब जब हम मील से डायरेक्ट कोई चीज निकालते हैं जिनका स्टैंडर्ड शेप और साइज होता है, किसी निश्चित शेप या साइज के होते हैं और इनकी कुछ निश्चित लंबाई होती है, ऐसे स्टील सेक्शन को हम रोल्ड स्टील सेक्शन कहते हैं। और बिल्टअप स्टील सेक्शन क्या होता है, जो इन्हीं रोल्ड स्टील सेक्शन को दो या दो से अधिक स्टील सेक्शनों को मिला करके बनता है। बिल्ट अप सेक्शन
तब बनाया जाता है जब हम हमारे द्वारा उत्पन्न या मिल्स द्वारा उत्पन्न रोल्ड स्टील सेक्शन स्ट्रक्चर पर आने वाले लोड को सहन करने में असमर्थ होता है, उस जगह पर हम दो या दो से अधिक स्टील स्ट्रक्चर या रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर को मिला करके बिल्टअप सेक्शन बनाते हैं। अगली चीज होती है मोड्स ऑफ फेल्योर। कोई भी चीज हम बनाने से पहले, हम इंजीनियर हैं, हम ये जानेंगे कि वो किस तरह से जहां यूज कर रहे हैं वो किस तरह से फेल हो सकता है। मोड्स ऑफ फेल्योर, तो मोड्स ऑफ फेल्योर में 5 मोड ऑफ फेल्योर होते हैं। किसी भी कंप्रेशन मेंबर के 5 मोड ऑफ फेल्योर होंगे। एक होता है स्क्वैशिंग, दूसरा होता है लोकल बकलिंग, तीसरा होता है फ्लेक्जरल बकलिंग, चौथा होता है टार्जनल बकलिंग, पांचवा होता है फ्लेक्जरल या टार्जनल बकलिंग। जैसे हमने आपको टेंशन मेंबर में, जैसे हमने आपको स्टील सेक्शंस में बताया था कि मोड्स ऑफ फेल्योर क्या क्या होते हैं, कोई बोल्ट कोई रिवेट कैसे फेल हो सकता है उसकी स्टडी की थी, वैसे ही कंप्रेशन मेंबर भी इस 5 मोड ऑफ फेल से 5 मोड ऑफ फेल्योर इसमें भी होते हैं। 5 तरीके से ये भी फेल हो सकते हैं। पहला होता है स्क्वैशिंग। स्क्वैशिंग को कभी कभी क्रशिंग बोलते हैं। क्रशिंग को आसान भाषा में अगर समझना हो तो जब कंप्रेशन मेंबर की लेंथ बहुत कम हो, मतलब उसकी लंबाई बहुत कम हो जैसे, तो वो फेल होता है क्रशिंग या स्क्वैशिंग में। तो कंप्रेशन मेंबर, जैसे आप ये देखिए कि जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की जो केन होती है, कोल्ड ड्रिंक की जो केन होती है उसको रखिए और हाथ से दाब दीजिए, तो वो क्या होता है, वो इधर उधर बकल नहीं करेगा, इधर उधर मुड़ेगा नहीं, वो डायरेक्ट क्या होगा, चिपक जाएगा, उसको बोलते हैं क्रशिंग। आसान भाषा में अगर आपको समझना है तो ये होती है क्रशिंग। वो किस लिए हुआ, क्योंकि उसकी लेंथ क्या थी, कम थी। अगर लेंथ ज्यादा होती तो वो क्या होता, अपनी लंबाई के अनुदिश क्या फेल हो जाता, मतलब इधर उधर बकल हो जाता, यहां क्या हो गया, क्रश हो गया। दूसरी चीज आती है लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग का मतलब कोई भी स्ट्रक्चर अधिक लंबाई होने के कारण बीच से ही क्या हो जाए, मुड़ जाए, अपनी एक्सिस को छोड़ करके अगल बगल खिसक जाए, तो उसको बोलते हैं लोकल बकलिंग। अब लोकल बकलिंग जैसे आई सेक्शन है, उसमें आई सेक्शन में आपका जैसे ये दिया है आई सेक्शन, आई सेक्शन का जो टॉप फ्लेंज है, एक तो फ्लेंज होता है इसे बोलते हैं फ्लेंज, और दूसरे को नीचे वाले को बोलते हैं आप बॉटम फ्लेंज। ये होता है टॉप फ्लेंज, ये होता है बॉटम फ्लेंज, इसको बोलते हैं वेव। अब चाहे टॉप फ्लेंज फेल हो जाए, चाहे बॉटम फ्लेंज फेल हो जाए, चाहे वेब क्या हो जाए, अपनी अच्छे से क्या हो जाए, मुड़ जाए, इधर की तरफ मुड़ जाए, चाहे इधर की तरफ मुड़ जाए, उसको बोलते हैं बकलिंग हो गई। तो चाहे टॉप फ्लेंज फेल हो जाए, इधर उधर मुड़ जाए, चाहे बॉटम फ्लेंज इधर उधर मुड़ जाए, चाहे वेब इधर उधर मुड़ जाए, उस सभी को क्या बोलेंगे, ये लोकल बकलिंग में फेल हुआ है। तीसरी चीज होती है फ्लेक्जरल बकलिंग। फ्लेक्जरल बकलिंग में मेन रोल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट लीजिए और वाई एक्सिस के अबाउट लीजिए। जैसे ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब आई एक्स एक्स अगर मान लो ज्यादा है आई वाई वाई से, तो मतलब ये होगा कि आई एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट को रेजिस्ट करने की ताकत ज्यादा है, हमारे सेक्शन की मोमेंट को रेजिस्ट करने की ताकत क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब ये आई एक्स एक्स के अबाउट नहीं फेल हो करके आई वाई वाई के अबाउट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और ये बेंडिंग के मोमेंट के कारण फेल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्जरल बकलिंग। अगली चीज आती है टॉर्जनल बकलिंग। टॉर्जनल मतलब ट्विस्ट हो जाए, ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण अगर कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी सेक्शन ट्विस्ट हो जा रहा है, उसके कारण जो फेल्योर होगा उसका नाम बोलेंगे हम टार्जनल बकलिंग। अगली चीज आती है फ्लेक्जरल या एंड टार्जनल बकलिंग।
फ्लेक्चरल और टॉर्जनल बकलिंग में जब बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों एक साथ लग रहा हो और दोनों के कारण जो फेल्योर होगा उसको बोलेंगे फ्लेक्चरल या फ्लेक्चरल एंड टॉर्जनल बकलिंग। अब पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी कंप्रेशन मेंबर, दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी कि टाइप्स ऑफ सेक्शन क्या क्या होते हैं, तीसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी कि कोई भी सेक्शन किस तरह से फेल हो सकता है। अब चौथी चीज हम लोग पढ़ेंगे, ये सब कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो यूज होता है हमको डिजाइन में, हमको स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में, इसीलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ। उसके बाद जब ये टेक्निकल टर्म्स आप लोग जान जाएंगे तब हम बताएंगे कि इसकी डिजाइन और इसका स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी के कड़ी में चौथी जो चीज आती है वो आती है इफेक्टिव लेंथ या प्रभावी लेंथ, या अगली चीज इसी को बोलते हैं अनसपोर्टेड लेंथ। तो अभी हम इफेक्टिव लेंथ पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, अनसपोर्टेड लेंथ क्या होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस होते हैं। पहले जानेंगे इफेक्टिव लेंथ की क्या परिभाषा होती है। इफेक्टिव लेंथ किसी भी कॉलम के या किसी भी कंप्रेशन मेंबर के दो ऐसे बिंदु जहां पर मोमेंट जीरो हो उनके बीच की दूरी होती है। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है या प्रभावी लेंथ क्या होती है, किसी भी कंप्रेशन मेंबर के दो ऐसे बिंदु जिस पर मोमेंट क्या हो बेंडिंग मोमेंट क्या हो, जीरो हो, और ऐसे बिंदु जिस पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या नत परिवर्तन बिंदु। दो नत परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। इफेक्टिव लेंथ को हम एल इफेक्टिव से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू के इंटू एल होगी। के क्या होता है, के एक फैक्टर होता है, एल क्या होती है, गिवन लेंथ होती है। जो भी सेक्शन होगा उसकी कुछ न कुछ लेंथ आपको दिया रहेगा। के क्या होता है, फैक्टर होता है। ये फैक्टर क्या होता है, ये आपको आईएस कोड 800 2007 में जब आप जाएंगे पेज नंबर 45 के टेबल नंबर 11 में अलग अलग कंडीशन के अनुसार अलग अलग वैल्यू दी हुई है। जैसे पहला केस होता है जब कंप्रेशन मेंबर का दोनों इंड क्या हो, फिक्स्ड हो, ऐसे केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू होती है 0.65 इंटू एल। अब 0.65 क्या होगा, ये फैक्टर के की वैल्यू होगी। कोड में आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक थ्योरेटिकल वैल्यू मिलेगी, एक रिकमेंडेड वैल्यू आप कोड, मतलब जो कोड प्रोविजनल के अनुसार होगा वो वैल्यू मिलेगी, और एक थ्योरेटिकली क्या होता है वो वैल्यू मिलेगी। थ्योरेटिकली वैल्यू जो यूज होती है वो आपका सोम में, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा, उसमें यूज होती है अलग अलग इंड कंडीशन के अनुसार, मतलब उसके सिरों के कंडीशन क्या है, सिरा इसका फिक्स है कि इसका सिरा हिंज्ड है, कौन सा सिरा फिक्स्ड है, कौन सा सिरा हिंज है, अलग अलग कंडीशन के अनुसार अलग अलग आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये चीज आपको कोड में मिलेगा, कोड से आप देख लीजिए पेज 45 टेबल नंबर 1, कोड के पेज नंबर 45 के टेबल नंबर 11 में आपको ये चीजें एल इफेक्टिव मिलेगी। पहली कंडीशन, हम कुछ कंडीशन डिस्कस कर दे रहे हैं इसमें। पहली कंडीशन जब होगी, जब इसके दोनों इंड क्या होंगे, फिक्स होंगे, जैसे इसमें दोनों इंड फिक्स होंगे तो एल इफेक्टिव की वैल्यू 0.65 एल होगी, मतलब वो जो फैक्टर हम बता रहे हैं वो इसकी वैल्यू 0.65 एल होगा। अगर थ्योरेटिकल की वैल्यू आप लोग यही देखें, आप लोगों ने सोम में पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती थी, जब दोनों इंड फिक्स होते थे इसकी वैल्यू एल बाई टू होती है, तो एल बाई टू को 0.50 एल लिख देंगे। ये कोड में आपको थ्योरेटिकल के नाम से मिलेगा, ये आपको रिकमेंडेड वैल्यू के नाम से मिलेगी। दूसरी चीज होती है वन, जैसे दूसरा केस है, अगर एक इंड फिक्स हो दूसरा इंड क्या होगा, हिंज को इस पॉइंट से निरूपित करते हैं, हिंज को इस पॉइंट से निरूपित, फिक्स क्या होंगे ऐसे निरूपित करते हैं, तब उसकी एल इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, 0.80 एल होगी, और थ्योरेटिकल वैल्यू होगी 0.70 एल। अब इसी की वैल्यू हम लोग पढ़ते थे एल बाई रूट टू। तीसरे केस होगा बोथ इंड हिंज होंगे तो एल इफेक्टिव की वैल्यू भी थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर होगी और वो होगी एल के बराबर। अगर चौथा केस होता है, अगर वन इंड हिंज है अदर इंड क्या होगा फ्री है, तो इस केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू 2 एल होती है।
अभी हमने बताया था आपको अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। अनसपोर्टेड लेंथ क्या होती है, ये मैक्सिमम क्लियर कवर क्लियर डिस्टेंस होती है जो बॉटम बॉटम और टॉप बीम टॉप ऑफ बीम के बीच की होती है। देखो बॉटम और टॉप ऑफ बीम के बीच की दो डिस्टेंस है, एक तो ये है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दूसरी क्या है यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। एक ए है इसकी वैल्यू क्या है बी है, लेकिन इसमें क्या होता है मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ फ्लोर बॉटम टू फ्लोर लेवल बॉटम ऑफ फ्लोर एंड टॉप ऑफ बीम, तो इसमें क्या होगी मैक्सिमम डिस्टेंस ए और बी में मैक्सिमम क्या है ए, इसलिए यहां पर हम अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम क्या लेंगे ए लेंगे। अगली चीज आती है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसी डिस्टेंस होती है जिसके वर्ग को एक उसके एरिया उस सेक्शन के एरिया से गुणा कर देंगे तो किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन किसी एक्सिस से उस एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की वह दूरी है जिसका वर्ग करने पर और उसके उसके एरिया से गुणा कर देने पर उस एच के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त हो जाता है। तो अगर मान लिया हमने कि इस एच के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस अक्ष के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे, जो क्या हो किसके बराबर होगी अगर इसका वर्ग करके इसके एरिया से गुणा कर देंगे तो इस अक्ष एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी के, मतलब के की वैल्यू होगी अंडर रूट आई बाई ए, इसी को बोलते हैं मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर मिनिमम का होल स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू आई, आर मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आई बाई ए। अगली चीज आती है स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू या तन्यता अनुपात की वैल्यू होती है इफेक्टिव लेंथ और रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो होता है। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है के एल जो अभी आपने निकाला, रेडियस ऑफ गायरेशन आपने पढ़ा हुआ अभी पढ़ा हुआ है। डिफरेंस सेक्शन का सिलेंडर ऑफ रेशियो भी आपको यहाँ कोड से मिलेगा। सिलेंडर ऑफ रेशियो की वैल्यू ये आपको याद करनी होगी और कोड में मिलेगा भी। जैसे अगर मेंबर ए मेंबर कैरिंग कंप्रेशन लोड, एक मेंबर है जो कंप्रेशन लोड को सहन करता है और वो कंप्रेशन लोड डेड लोड या इम्पोज लोड द्वारा आता है तो सिलेंडर रेशियो की वैल्यू 180 होगी। अगर एक टेंशन मेंबर है जिसमें डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस आ रही है और वो भी किसके कारण जो विंड और सिस्मिक लोड या भूकंप लोड के अतिरिक्त, मतलब ऐसा लोड लग रहा है जो या तो विंड या तो भूकंप के कारण नहीं होता है, अदर लोड होते हैं जैसे आपका इम्पोज लोड आपका डेड लोड हो सकता है, उसके कारण अगर टेंशन मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो देखना होगा मैक्सिमम तो 180 होता है। इसी तरह से अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग वैल्यू अलग अलग कंडीशन के अनुसार आपको कोड में मिलेगा, वहां से आप लोग देखेंगे। अगर कोई ऐसा कंडीशन है एक मेंबर जो हमेशा टेंशन में रहता है तो उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 400। अब आठवां टॉपिक है इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रट। स्ट्रट की परिभाषा हमने बताई, स्ट्रट एक अभी हम बताया स्ट्रट एक इंक्लाइंड मेंबर होता है जो कंप्रेशन फोर्स को बियर करता है। स्ट्रट में दो चीजें होती हैं, एक कंटिन्यूस स्ट्रट होती है एक डिसकंटिन्यूस स्ट्रट होते हैं। कंटिन्यूस स्ट्रट वो होते हैं कि जो मोर देन टू सपोर्ट से पास होते हैं उन्हें बोलते हैं कंटिन्यूअस, और जो केवल दो सपोर्ट से पास होते हैं उनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। अब इनके लिए भी इफेक्टिव लेंथ का कैलकुलेशन करना है। पहला केस ये होगा अगर एक एंगल सेक्शन है सिंगल एंगल सेक्शन है और डिसकंटिन्यूअस केस है तो उस केस में इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू एल होगी और कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू 0.80 होगी। मतलब जो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस यूज करेंगे जो हमारी सिग्मा एसी नॉर्मल कंडीशन में होती है, नॉर्मल एक्सियल स्ट्रेस होती है उस
को अगर हम स्टेट केस में यूज करेंगे तो वो वैल्यू बदल जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 20% रिड्यूस हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी। मतलब जो वैल्यू नॉर्मल केस के लिए यूज होती है उसमें से आप स्टेट के केस में अगर यूज करेंगे डिसकंटिन्यूअस के केस में